ये कहानी है मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रॉक की। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे 52 साल के बुजुर्ग आदमी ने मैकडॉनल्ड्स कंपनी की शुरुआत की और क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इस जर्नी में। आई होप ये कहानी आपको जरूर इंस्पायर करेगी। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं रे अलग अलग रेस्टोरेंट में जाकर अपनी कंपनी की मिल्क शेक मिक्सचर को बेच रहा है, लेकिन कोई भी इसे नहीं खरीदता क्योंकि ये मिक्सचर मार्केट में पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। दरअसल रे की छोटी सी कंपनी है जिसका नाम प्रिस कासल है। रे ने इस मिक्सचर पर इन्वेस्ट किया है जिसको बेचना बहुत मुश्किल होता है। एक दिन रे अपनी सेक्रेटरी को कॉल करता है। वो बताती है कि एक रेस्टोरेंट से 6 मिक्सचर का ऑर्डर मिला है। रे को यह सुनकर हैरानी होती है क्योंकि एक मिक्सचर ही बहुत मुश्किल से बिकता है। रे ऑर्डर कंफर्म करने के लिए उस रेस्टोरेंट में कॉल करता है। वो लोग उससे कहते हैं हमें 6 नहीं 8 मिक्सचर चाहिए। इस बात से खुश होकर वो उस रेस्टोरेंट के लिए निकल जाता है। वो वहाँ पहुँच जाता है और देखता है उस रेस्टोरेंट का नाम मैकडोनल्ड्स हैमबर्गर है, और ये भी देखता है मैकडोनल्ड्स के सामने काफी लंबी लाइन लगी हुई है। रे भी इस लाइन में लग जाता है और वो एक बर्गर और कोक का ऑर्डर देता है। उसको तुरंत उसका ऑर्डर मिल जाता है। वो इस बात से काफी हैरान हो जाता है कि उसका ऑर्डर इतनी जल्दी कैसे मिल गया। असल में ये कहानी है सन 1954 की। तब लोगों को अपना ऑर्डर देने के बाद और ऑर्डर मिलने तक करीब 1 घंटा तक के इंतजार करना पड़ता था। जो मैकडॉनल्ड्स में हो रहा था वो पूरे अमेरिका में कहीं नहीं हो रहा था। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया था। रे इस कॉन्सेप्ट से बहुत इम्प्रेस हो जाता है और वो वहीं बेंच पर बर्गर खा ही रहा होता है। तभी मैक नाम का आदमी उसके पास आता है और उससे पूछता है बर्गर कैसा है। रे उससे कहता है बहुत अच्छा बर्गर है, मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा बर्गर कभी नहीं खाया। मैक उससे थैंक यू कहता है और बताता है मैं मैकडॉनल्ड्स का मालिक हूँ। रे अपना विजिटिंग कार्ड उसे देता है और कहता है मैंने ही आपका 8 मिल्कशेक मिक्सचर का ऑर्डर लिया था। मैं यहाँ से निकल रहा था, सोचा आपका रेस्टोरेंट देखता चलूं। रे उसे रिक्वेस्ट करता है क्या मैं आपका रेस्टोरेंट अंदर से देख सकता हूँ। मैक कहता है हाँ क्यों नहीं बिल्कुल, और वो उसे अंदर ले जाता है। रे वहाँ देखता है कि सभी एम्प्लॉयज अपना काम बिल्कुल परफेक्ट और स्पीड में कर रहे होते हैं, वो भी साफ सफाई को ध्यान में रखकर। तभी मैक उसे अपने भाई डिक से मिलाता है जो कि काफी इंटेलिजेंट और हर काम परफेक्ट तरीके से करता है। रे उनसे इम्प्रेस होकर उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करता है और वो दोनों मान जाते हैं। अब डिनर में रे उन दोनों भाइयों से जल्दी ऑर्डर कम्प्लीट करने का राज पूछता है। वो दोनों उसे बताते हैं कि इसका राज है किचन। रे सुन के हैरान हो जाता है और पूछता है किचन कैसे। फिर वो उसे बताते हैं अपने रेस्टोरेंट का किचन उन्होंने खुद ही डिजाइन किया है जिससे टाइम की काफी बचत हो जाती है। वो बताते हैं कि हमने टेनिस कोर्ट पे किचन का डिजाइन ड्रॉ किया और अपने एम्प्लॉय से वहाँ प्रैक्टिस करने को कहा जिसे रियल में वो वहाँ काम कर रहे हों। दरअसल वो लोग ये देखना चाहते थे कि किचन ऐसा हो जहाँ पर हर एम्प्लॉय अपना काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करे और कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। वो लोग कई डिजाइन ड्रॉ करते हैं लेकिन बात नहीं बनती। फाइनली 6 घंटे के बाद एक परफेक्ट डिजाइन बन जाता है, लेकिन इसके बाद भी ये दोनों भाइयों को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट लोगों के लिए बिल्कुल नया था। वो लाइन में लगना ही नहीं चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। रात में रे मैकडॉनल्ड्स के बारे में बहुत सोचता है और अगले सुबह फिर से वो उन दोनों भाइयों से मिलने चला जाता है। रे उनसे कहता है हमें फ्रेंचाइजीज खोल लेनी चाहिए जिससे बिजनेस आगे बढ़ सके। तो डिक उससे कहता है मुझे भी ये आइडिया आया था और 3 जगह फ्रेंचाइजीज खोली भी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। रे उससे पूछता है ऐसा क्यों। तो डिक कहता है क्वालिटी कंट्रोल की वजह से और वहाँ साफ सफाई का ध्यान भी नहीं दिया जाता था। तभी रे की नज़र उनके ऑफिस में लगे एक फोटो पे पड़ती है जो कि मैकडॉनल्ड्स की एक फ्रेंचाइजी की होती है। दिखने में काफी अच्छी और अलग होती है। इसको बनाने का आइडिया भी डिक का था। दोनों भाई इसे गोल्डन आर्चेस कहते हैं। रे उनसे पूछता है ये फ्रेंचाइजी कहाँ पे है। तो डिक बताता है ये फिनिक्स में है। फिर रे फिनिक्स जाता है और वो वहाँ गोल्डन आर्चेस को देखता है जिसे देख के उसे बहुत अच्छा लगता है। कुछ देर बाद रे अपनी वाइफ इथर के पास जाता है। वो उसे मैकडॉनल्ड्स के बारे में बताता है। इथर उससे कहती है तुमने बहुत से बिजनेस किए, तुम सब में फेल हो गए, अब तुम सिर्फ मिक्सचर बेचने पे ध्यान दो। तो रे उससे कहता है मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा और मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं उसकी वाइफ की बात भी सही थी, इसीलिए रे मिक्सचर को बेचने की बहुत कोशिश करता है लेकिन इसे कोई भी नहीं खरीदता। रे मिक्सचर को बेचते बेचते बहुत परेशान हो चुका था, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि उन दोनों भाइयों के साथ ये काम करेगा। अगले दिन रे उन दोनों भाइयों से मिलने जाता है और उनसे कहता है कि वो उनके साथ काम करना चाहता है। वो अलग अलग शहरों में उनकी फ्रेंचाइजीज खोलने में मदद करेगा। रे उनको कन्विंस करने की बहुत कोशिश करता है और वो दोनों मान भी जाते हैं। फिर वो दोनों रे से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं। अब रे बहुत से लोगों के पास जाता है मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी के लिए, लेकिन सभी उसे मना कर देते हैं, इसीलिए रे मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी खुद ही लेता है। रे फ्रेंचाइजी लेने के लिए बैंक से लोन लेता है।
वो भी अपना घर गिरवी रख के। ये रे के लिए डू और डाई वाली सिचुएशन है। अगर रे का ये बिजनेस नहीं चला तो उसके सर से छत भी चली जाएगी। कुछ महीनों बाद रे की फ्रेंचाइजी बनके तैयार हो जाती है और रे का बिजनेस बहुत अच्छे से चलने लगता है। रे अपने रेस्टोरेंट में परफेक्ट तरीके से काम करता है और साफ सफाई का भी बहुत ध्यान देता है। फिर हम देखते हैं रे अपनी वाइफ ईथर के साथ अपने दोस्तों से मिलने डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है। उसके दोस्त बहुत रईस होते हैं, इसीलिए वो अपने दोस्तों से फ्रेंचाइजी लेने के लिए कन्विंस करने लगता है, लेकिन वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर रे उन्हें स्पीड फूड डिलीवरी कॉन्सेप्ट के बारे में बताता है। उसकी बातें सुनकर सभी मान जाते हैं। ये बात मैकडोनल्ड्स भाइयों को पता चल जाती है कि रे ने एक महीने में 3 फ्रेंचाइजीज बेच दी। लेकिन डिक को इस बात से टेंशन होती है कि रे इतने सारे रेस्टोरेंट का स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाएगा और इनका नाम भी खराब होगा। कुछ देर बाद रे अपने दोस्तों के मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी जाता है। वो वहाँ देखता है कि वहाँ के बर्गर बिल्कुल परफेक्ट नहीं होते हैं और ना ही वहाँ पर साफ सफाई का ध्यान दिया जाता है। इसी वजह से मैकडोनल्ड्स का नाम भी खराब हो रहा था। ये सब देख के रे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अपने दोस्तों से दोस्ती तोड़ देता है। अगले दिन रे अपने ऑफिस जाता है जहाँ पे एक आदमी उसकी सेक्रेटरी को बाइबल बेच रहा होता है। रे उसको देखता है और समझ जाता है कि ऐसे ही लोग अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ऐसे लोग मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी को अच्छे से संभालेंगे और लगन से भी काम करेंगे। तो रे उस आदमी को मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी बेच देता है। कुछ दिन बाद रे उस आदमी के रेस्टोरेंट जाता है। वो वहाँ देखता है वो आदमी और उसकी वाइफ दोनों रेस्टोरेंट को बहुत अच्छे से संभाल रहे होते हैं और एक टीम की तरह काम कर रहे होते हैं। ये देख के रे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और रात में अपनी वाइफ से उस कपल के बारे में बता रहा होता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों एक अच्छे टीम पार्टनर की तरह काम कर रहे थे। अब रे बड़े बड़े इवेंट करने लगता है जहाँ पे वो ऐसे लोगों को चुनता है जो लोग बहुत मेहनती हों और पूरी जिम्मेदारी से मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी को संभाल सके। रे बहुत से शहरों में मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी खोल देता है। वो अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ चुका था। कुछ दिन बाद रे डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ उसे रेस्टोरेंट का मालिक रॉली मिलता है। रॉली उसे पहले से जानता था। वो रे से मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी खरीदने के लिए कहता है क्योंकि उसके पास पैसे और फ्रेंचाइजी खरीदने के लिए जगह भी होती है। फिर रॉली रे को अपनी वाइफ जोयना से मिलाता है। रे उन दोनों को अपनी स्टोरी बताता है जिसे सुनकर जोयना काफी इम्प्रेस हो जाती है। अब रे अपने घर आता है जहाँ उसकी वाइफ इधर उसे बताती है कि कुछ लोग हमारे साथ काम करने में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन रे उससे कहता है कि भूल जाओ उन लोगों को, अब हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, अब लोग हमारे साथ काम करने के लिए मरे जा रहे हैं। ये सुन के इथर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि रे की बातें उसे कुछ बदली बदली सी लगती हैं। अगले दिन रे की सेक्रेटरी उसे बताती है कि हमारे पास सारे पैसे खत्म हो चुके हैं और हम कर्जे में जा रहे हैं क्योंकि हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट सिर्फ 1.4% है और एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा। रे डिक को कॉल करता है और उससे 3.5% प्रॉफिट मांगता है, लेकिन डिक उसे मना कर देता है। डिक उससे कहता है तुमने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया था, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। ये सुनकर रे गुस्से में कॉल काट देता है। रे जब घर पहुंचता है तो उसकी वाइफ ईथर उस पर बहुत नाराज होती है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि रे ने घर को गिरवी रखकर बैंक से लोन लिया था जिसकी 3 महीने की किस्तें अभी तक नहीं जमा की है। फिर रे रॉली और जोयना के पास जाता है कुछ पैसे उधार मांगने के लिए, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं जितने की उसको जरूरत होती है। जोयना रे से कहती है कि मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम हर महीने $100 की बिजली बचा सकते हो। उसके पास इंस्टेंट मिल्क पाउडर होता है जिसे पानी में मिलाकर पीने में बिल्कुल मिल्क शेक लगता है। ये चीज रे को बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद रे डिक को कॉल करता है, उसे इंस्टेंट मिल्क पाउडर के लिए कन्विंस करता है, लेकिन डिक क्वालिटी की वजह से मना कर देता है। अब रे पूरी तरह से कर्जे में हो चुका था। बैंक से बाहर निकलते समय उसे हैरी नाम का एक आदमी मिलता है। वो रे की मदद करने के लिए कहता है। रे मान जाता है और उसे अपने साथ अपने ऑफिस ले जाता है। हैरी उससे पूछता है कि आप किस तरह से बिजनेस करते हैं। रे उससे बताता है कि मैं लोगों को मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी बेचता हूँ, लोग कंस्ट्रक्शन लोन लेके उसे बनवाते हैं और मैं उन्हें ट्रेनिंग देता हूँ, बदले में कुछ परसेंट प्रॉफिट लेता हूँ। हैरी उससे कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। वो बताता है कि आप फ्रेंचाइजी के लिए जगह खुद खरीदो और फिर उस फ्रेंचाइजी को लोगों को लीज पे दे दो। इससे 2 फायदे होंगे। पहला, फ्रेंचाइजी लीज पे देने से हर महीने लीज का किराया आता रहेगा जिससे आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। और दूसरा, फ्रेंचाइजी को कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर कोई आपकी बात ना माने तो आप उसकी लीज कैंसिल कर सकते हैं।
अब रे इन्वेस्टर को ढूंढता है जिससे वो अपने बिजनेस पे इन्वेस्ट करा सके। इसके बाद रे फ्रेंचाइज रियलिटी कॉर्पोरेशन कंपनी खोलता है। अब रे धीरे धीरे सारी फ्रेंचाइजीज को खरीद लेता है, सिर्फ मैकडॉनल्ड्स भाइयों की फ्रेंचाइजी को छोड़ के। रे टेक्निकली मैकडॉनल्ड्स का ऑनर बन जाता है और तो और अपनी कंपनी का नाम चेंज करके मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन रख लेता है। ये देख के डिक बहुत नाराज होता है और रे को कॉल करके उसे कॉन्ट्रैक्ट याद दिलाता है, लेकिन रे उससे कहता है मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता हूँ, तुम केस करोगे और शायद जीत भी जाओ, लेकिन केस लड़ने के लिए तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है। मैं मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन का सीईओ हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं। रे उन दोनों भाइयों को इतना मजबूर कर देता है कि वो लोग उसे मैकडॉनल्ड्स बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं रे अपनी वाइफ के साथ डिनर कर रहा होता है। वो अपनी वाइफ एथर से डिवोर्स मांगता है। एथर ये सुनकर बहुत उदास हो जाती है और वो कोई जवाब नहीं देती। अगले दिन रे मैकडॉनल्ड्स भाइयों के साथ एक डील साइन करता है। रे उन दोनों भाइयों को $2.7 मिलियन और कंपनी का 1% प्रॉफिट देता है। बदले में वो उन दोनों से मैकडॉनल्ड्स की ऑनरशिप छीन लेता है। डील साइन होने के बाद डिक रे से पूछता है, हमने तुम्हें अपने बिजनेस के सारे सीक्रेट्स बता दिए थे, तो तुमने हमारे आइडिया को चुरा कर अलग से रेस्टोरेंट क्यों नहीं खोला और मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी ही क्यों खोली? तो रे उससे कहता है, तुमने मेरे अलावा भी बहुत से लोगों को ये सीक्रेट्स बताया होगा, क्यों उनमें से वो लोग मैकडॉनल्ड्स इतना बड़ा बिजनेस कर पाए? डिक कहता है, नहीं। रे कहता है, वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे रेस्टोरेंट का नाम मैकडॉनल्ड्स है। यही राज है मैकडॉनल्ड्स की कामयाबी का। अमेरिका में बहुत से लोगों का सरनेम मैकडॉनल्ड्स होता है। इस नाम को सुनकर लोगों के दिमाग में एक ही बात याद आएगी, वो है अमेरिका। मूवी के लास्ट में रे क्रॉक अपने सक्सेस का सीक्रेट्स बताते हैं। वो कहते हैं, जिंदगी में सफल होने के लिए चाहिए जिद। फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने पढ़े लिखे हैं या आपके पास कितनी डिग्रियां हैं, अगर आपको कुछ हासिल करना है तो आपको जिद्दी होना पड़ेगा। और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।